नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी लाइक इंजीनियर्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक 37x50 के हाउस प्लान की, जिसमें हमने 3 BHK प्लान किया है। इस वीडियो में मैं आपको घर के नक्शे के साथ साथ उसका कॉलम लेआउट और साथ ही साथ उसका 3D फ्रंट एलिवेशन भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी 37x50 के एरिया में कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, अपना घर बनवाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हमने ये 37x50 का घर प्लान किया है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर फ्रेंड्स आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी पूरे इंडिया में प्लानिंग और डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप लोग मुझसे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और मार्केट से काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल रेट में आपको अपने घर के सारे डिज़ाइन जो है वो घर बैठे रेडी होके मिल जाएंगे। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हमने इस घर को डिज़ाइन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम इसके प्लान के साथ में। सबसे पहले मैं आपको इसका प्लान दिखा देता हूँ और अच्छे से समझा देता हूँ कि किस तरह से इस घर को प्लान किया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से हम कुछ स्टेप्स ऊपर चढ़ते हैं तो हमको एक वेरंदा मिल जाता है। वेरंदा का साइज़ है हमारा 11 फिट 6 इंच बाय 8 फिट। वेरंदा से जब हम अंदर की तरफ एंट्री करते हैं मेन एंट्री से, तो आ जाता है हमारा लिविंग एरिया, और लिविंग एरिया का साइज़ है हमारा 20 फिट 7 इंच बाय 14 फिट 5 इंच। लिविंग एरिया में ही एक एंट्री इस तरफ है हमारी, तो यहाँ से जाके हमारा स्टेयरकेस आ जाएगा। ये एक एंट्री बाहर से भी रखी है स्टेयरकेस की, क्योंकि ऊपर अगर कभी रेंट पर्पज़ से बनता है तो उनकी एंट्री बाहर से ही हो जाएगी। इस स्टेयरकेस की लैंडिंग के नीचे से एक एंट्री हमने बेडरूम में रखी है, और बेडरूम का साइज़ है हमारा कितना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बेडरूम 3 का साइज़ है हमारा 15 फिट बाय 12 फिट। फिर दोस्तों, लिविंग एरिया से नेक्स्ट हमारी यहाँ पर एंट्री होती है कहाँ पर, तो देखिए लिविंग एरिया से हमारी इस तरफ एंट्री होती है डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया का साइज़ है हमारा 11 फिट बाय 15 फिट। यहीं से एक एंट्री हमारी वॉश एरिया में हो रही है, तो वॉश एरिया का साइज़ है हमारा 7.5 फिट बाय 7 फिट, और यहाँ पे एक टॉयलेट है हमारा जिसका साइज़ है हमारा 7 फिट बाय 7 फिट। फिर दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा डाइनिंग एरिया से हमारी एक एंट्री है बेडरूम 2 में। बेडरूम 2 का साइज़ है हमारा 12 फिट बाय 13 फिट। इस तरफ हमारा स्टोर हो जाता है, यहाँ पर स्टोर का साइज़ है 5 फिट 7 इंच बाय 8 फिट, और पीछे की तरफ हमारा एक और बेडरूम है जो कि बेडरूम 1 है, और उसका साइज़ है हमारा 12 फिट बाय 13 फिट। बेडरूम 1 दोस्तों एक मास्टर बेडरूम है हमारा, जिसके साथ में हमने एक अटैच टॉयलेट भी रखा है, और उसका साइज़ है हमारा 6 फिट बाय 8 फिट। फिर दोस्तों, पीछे की तरफ यहाँ पर हमारा पूजा रूम आ जाता है। पूजा रूम का साइज़ है हमारा 6 फिट बाय 6 फिट, और इस तरफ हमारा किचन हो जाता है जिसका साइज़ है हमारा 12 फिट बाय 8 फिट। तो इस तरह से दोस्तों हमने 37x50 में ये 3 BHK प्लान किया है विद कार पार्किंग। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ जिससे कि आप इस प्लान को अच्छे से देख पाएँ। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इसके प्लान की, अब हम चलते हैं इसके कॉलम लेआउट की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितने कॉलम टोटल आ रहे हैं और किस किस जगह पर कॉलम आ रहे हैं, वो भी आप उसमें देख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इसका कॉलम लेआउट, इसमें आप देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कॉलम आ रहे हैं, ठीक है, और कितने कॉलम आ रहे हैं। तो टोटल आप देख पा रहे हैं, टोटल इसमें 21 कॉलम आ रहे हैं इस घर में, ठीक है ना। और पोजीशन आपने इसमें देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो। टोटल 21 कॉलम आ रहे हैं, कॉलम की पोजीशन के लिए आप ये इमेज देख सकते हैं, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों, प्लान दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है, प्लान दिखा दिया मैंने आपको, कॉलम लेआउट मैंने आपको इसका दिखा दिया। अब हम चलते हैं इसके सामने का जो 3D यानी कि घर बनने के बाद में कैसा लगेगा वो सामने का फ्रंट व्यू देख लेते हैं अब हम इसका। फ्रेंड्स, ये है इस घर का फ्रंट व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी मेन एंट्री हो गई स्टेप से चढ़ के ऊपर, ठीक है। दोनों जो विंडो है उस पर बॉक्स विंडो बनाई गई है, जो कि इसके लुक को और भी ज़्यादा एनहांस कर रही है। रेलिंग का ऊपर पैराफिट वॉल में रेलिंग का कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, सारी ब्रिक वॉल ही बनाई है, और उसमें हम एकदम सिंपल सा डिज़ाइन बनाया क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको बिल्कुल सिंपल सा एक घर चाहिए था। लेकिन देखने में देखिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, कलर भी बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं किए हैं। साथ ही साथ विंडो के नीचे यहाँ पे एक प्लांटर भी मिल गया हमको, जो कि अच्छा लग रहा है देखने में। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा एक हाउस प्लान, ठीक है, और मैंने आपको दिखाया उसका कॉलम लेआउट और साथ ही साथ में उसका 3D फ्रंट व्यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लान ज़रूर पसंद आया होगा, और आपको कैसा लगा है आप मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मार्केट से काफ़ी नॉमिनल रेट में आपको घर बैठे हुए पूरी हाउस की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग रेडी होकर मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टाइप के और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।